नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए अपने टॉपिक पास्ट इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी, तो सबसे पहले हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है हिंदी पहचान। तो दोस्तों इस टेंस का हिंदी रिकॉग्निशन होता है, हिंदी पहचान होती है कि जिस भी हिंदी सेंटेंस के एट लास्ट, हिंदी वाक्य के अंत में यदि साउंड आता है आ, ए, ई, आ, ए, ई का साउंड यदि लास्ट में सेंटेंस के अंत में आता है, तब वो हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। दोस्तों अब बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब दोस्तों, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, बट दिस हेल्पिंग वर्ब इजंट यूज्ड इन एन अफर्मेटिव सेंटेंस। समझ नहीं आया गुरुजी? देखिए बिल्कुल आसानी से समझना है। मैंने यहाँ पर लिखा है बट दिस हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड इन एन अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए दोस्तों, सेंटेंस का जो फॉर्म होता है वो कम से कम 4 फॉर्म होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, इस अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं होगा। बाकी इन तीनों में डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, बाकी सभी में हेल्पिंग वर्ब आती है, निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं होगा। बात करेंगे मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब का दोस्तों सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है इन अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है तो सेकंड फॉर्म लगेगा दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, चाहे वो हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव है चाहे डबल इंट्रोगेटिव है। यानी इंट्रोगेटिव और निगेटिव में फर्स्ट फॉर्म यानी V1 फॉर्म का यूज किया जाता है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यानी V2 फॉर्म का यूज किया जाता है। दोस्तों तो ये रही बात हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। आइए अब हम देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अफर्मेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी V2 फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ये रहा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो निगेटिव, किसी भी टेंस का निगेटिव कैसे बनता है मैंने आपको पहले ही बताया है, उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से निगेटिव बन जाता है। बाकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। देखिए जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा वहाँ पर डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा, और जहाँ पर डिड नहीं आएगा अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म यूज किया जाएगा। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। क्या शब्द के लिए हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर लाते हैं, तो सबसे पहला स्थान हेल्पिंग वर्ब का होता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वाक्य यदि हमारा निगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, अगर नहीं निगेटिव है तो नॉट नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन टैग। बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी हैव क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट एंड देन जस्ट लाइक द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन टैग। तो ये रहे हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, अफर्मेटिव, निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए दोस्तों अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को कुछ एग्जांपल्स के साथ हम समझते हैं। जैसा मैंने कहा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों कि वह यहाँ आया। तो आप देख रहे हैं जो हमारा हिंदी सेंटेंस है, मैंने आपको रिकग्निशन बताया, हिंदी पहचान बताई है कि हिंदी सेंटेंस के एट लास्ट अगर साउंड आता है आ ए ई, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आ का साउंड है, ये दोस्तों आ का साउंड है। तो ये हमारा टेंस जो है कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट लगाएंगे पहले ही, वह यहाँ आया ही, फिर वी टू फॉर्म लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म केम, वी ही केम हियर, वह यहाँ आया। इसी तरह मैंने कहा कि वे वहाँ गए, वे वहाँ गए तो क्या बोला जाएगा दोस्तों, दे वेंट देयर, मैंने पानी पिया। क्या बोला जाएगा, आई ड्रैंक द वाटर, आई ड्रैंक वाटर। इसी तरह से मैंने कहा उसने खाना पकाया, सी या ही भी लिखा जा सकता है, सी कुक्ड द फूड, सी कुक्ड द फूड। तो इस तरह से आप देख रहे हैं दोस्तों ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सभी वाक्य अफर्मेटिव हैं। अब हम इस सेंटेंस को लेते हैं, वह यहाँ आया। तो बाकी के सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले निगेटिव देखते हैं, हम इस सेंटेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी इस सेंटेंस को निगेटिव बनाएंगे, वह यहाँ नहीं आया। तो वह यहाँ नहीं आया क्या हो जाएगा दोस्तों, ही डिड नॉट कम हियर, ही डिड नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आया। यानी नहीं शब्द के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब डिड है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड के बाद नॉट लगाया, फिर डिड जहाँ पर आ जाता है, हमेशा याद रखिएगा कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है दोस्तों। देखिए अफर्मेटिव में डिड नहीं आया है तो ये सब जगह सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में सब जगह आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इसी को ही मैं बनाता हूँ सिंगल इंट्रोगेटिव, क्या शब्द लगाते हैं दोस्तों, क्या वह यहाँ आया। तो उस क्या शब्द के लिए क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसको स्टार्टिंग में यूज कर देना है। तो ये बन जाएगा हमारा डिड ही कम, डिड ही कम हियर, क्या वह यहाँ आया। डबल इंट्रोगेटिव भी इसको ही बना देते हैं, कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में लगाते हैं दोस्तों कि वह यहाँ क्यों आया, वह यहाँ क्यों आया। तो ये क्वेश्चन वर्ड हमने क्यों लगाया है, तो इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश स्टार्टिंग में वाई आ जाएगी दोस्तों, बाकी सेम सिंगल इंट्रोगेटिव की तरह जुगा तो रहेगा, वाई डिड ही कम हियर, वह यहाँ क्यों आया। तो इस तरह से हम एक सेंटेंस को चार फॉर्म में बना सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। तो इस तरह से आपका ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।